सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की मातृ और पितृ भक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों संतों ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया, तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है, और इसीलिए तो यहां का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का अंबेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, या अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष टाडा जनपद के ही निवासी हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था, तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था।